आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए में कॉपी कैसे लिखे, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए और कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हम लोग को नहीं करना है, उसमें गलती नहीं करना है। पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, कुछ पॉइंट है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसको पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे और समझेंगे पूरा बारीकी से कि कैसे क्या क्या करना होता है। इसको आप अंत तक देखते रहिए। तो पहला हमारा पॉइंट है कि आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्रैक्टिस करने का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जिस दिन एग्जाम होता है डायरेक्ट एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखते हैं, वो पहली बार वैसा जो पैटर्न होता है वैसा पैटर्न पर लिखते हैं, घर पर कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है चलिए हाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, बस एग्जाम देने जाएंगे उसी दिन लिखेंगे। नहीं देखिए ऐसा नहीं होता है। जो बड़े बड़े क्रिकेटर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो भी खेलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता खेलने में, लेकिन मैच के पहले वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका आदत बना रहे, खेलने का आदत बना रहे और ऐसा मैच में जाए तो उनको ये ना लगे कि ये कुछ नया मिल रहा है हम लोग, उन लोगों को लगे हाँ हर रोज हम तो खेलते ही हैं। वैसे ही एग्जाम देने जाने से कुछ दिन पहले से प्रैक्टिस चालू कर देना चाहिए लिखने का, वैसा एग्जाम पैटर्न पर लिखने का प्रैक्टिस चालू कर देना चाहिए। और एग्जाम हॉल में जाए तो ऐसा ना लगे कि कुछ नया हम लोग लिख रहे हैं, कुछ नया मिल रहा है, ये लगे कि हाँ एग्जाम पहले ऐसे हम लोग लिखे हैं, ऐसा पैटर्न पर हम लोग लिखे हैं, कुछ नया ना मिले। तो करना ये होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं, पिछले साल के प्रश्न पत्र, क्या करना है, दो गो चीज, या तो मॉडल पेपर या पिछले साल के प्रश्न पेपर लेकर क्या करना होता है, लिखने का प्रैक्टिस करना होता है। देखिए इससे फायदा क्या होता है, और जो बच्चे नहीं प्रैक्टिस करते उनका नुकसान क्या होता है, वो लोग जाते हैं एग्जाम देने डायरेक्ट तो क्या होता है, या तो समय कम पड़ जाता है क्योंकि लिखने का वैसे प्रैक्टिस नहीं किए होते, तो क्या होता है उनका समय कम पड़ जाता है और पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते, या लिख भी पाते हैं तो पूरा सही तरीका से आंसर नहीं लिख पाते हैं। और जो बच्चे प्रैक्टिस किए होते हैं उनको तो लगता है कि ये तो हम प्रैक्टिस किए हैं, ये कुछ नया नहीं है, ये तो हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, तो वो लोग पूरा लिख पाते हैं। तो देखिए क्या करना है, मॉडल पेपर या पिछले साल का प्रश्न पत्र लेकर और कुछ दिन पहले से प्रैक्टिस चालू कर देना, मतलब लिखने का वो आंसर, उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूरा पैटर्न दिया होता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल के प्रश्न रहते हैं कि हाँ ऐसे पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन को लेकर और आंसर लिखना चालू करना है अपने से। ये नहीं कि एक दिन पूरा आंसर लिखना, नहीं, पहले शुरुआत करना है, एक पहला दिन शुरुआत करना है, एगो दो गो ऐसे करके लिखते लिखते क्या करना है कि ये पूरा पैटर्न पर लिखना है। जैसे पहले दिन एक क्वेश्चन लिखे, फिर अगले दिन दो गो चार गो बढ़ाते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि ये उसमें सेट होता है। मॉडल पेपर में क्या होता है, सेट होता है, तो सेट वन, दो तीन दिन प्रैक्टिस कीजिए, तीन चार दिन एक दो चार पांच क्वेश्चन लिखने का, फिर क्या कीजिए एक दिन मॉडल पेपर का जो सेट वन होता है या सेट टू, सेट वन को पूरा क्या कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए पूरा हल करने का जितने देर उसका समय लिमिट रहता है कि हाँ इतना देर में आपको ये क्वेश्चन का, इतना क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, तो घर पर उसको क्या करना है, एग्जाम देने जाने से पहले प्रैक्टिस करना, ऐसे सेट कम से कम 10 गो सेट प्रैक्टिस कर लेना है। कितना सेट, 10 गो। जब 10 गो सेट प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर लिखने का तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम ऐसा आदत बन जाएगा लिखने का कि एग्जाम हॉल में अगर लिखना चालू करेंगे तो कोई ऐसा नया नहीं होगा कि हम लोग को ये समय भी मैनेज करने आ जाएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन छूट जाएगा समय पार हो गया, नहीं। जब ये 10 गो सेट हल कर लेंगे और जिस दिन एग्जाम होगा, एग्जाम देने जाएंगे और परीक्षा हॉल में एग्जाम लिखने जब शुरू करेंगे तो लगेगा कि हाँ ये तो ऐसे हम तो ये ऐसे लिख भी किए हैं, कोई नया नहीं लगेगा, एकदम अच्छा से आराम से पूरा अच्छा से लिख सकते हैं और सारे क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, घर पर ये आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब उसके बाद दूसरा, जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं हम लोग, जिस दिन एग्जाम होता है एग्जाम हॉल में जब पहुंचते हैं तो किस बातों का ध्यान रखना है, ये तो पहले एग्जाम देने जाने से पहले ये सब प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना है। जब प्रश्न पत्र मिलता है उसको क्या करना है, पूरा पढ़ना है और उसमें जो निर्देश दिए होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं निर्देश नहीं पढ़ते हैं, जो निर्देश दिए होते हैं उन निर्देशों को पढ़ना है, कितने प्रश्नों को हल करना है, क्या करना है, पूरा बढ़िया निर्देश दिया होता है और उसके लिए समय भी मिलता है पढ़ने के लिए, तो पूरा क्या कर रहे हैं, निर्देश अच्छा तरह से पढ़ना है। जो कुछ भी उस कॉपी में आंसर लिखने वाला जो कॉपी मिलता है उसमें जो कुछ भी भरना होता है ध्यान से भरना होता है, रोल नंबर, रोल कोड और भी बहुत सारी चीज उसमें भरना होता है, परीक्षा केंद्र का नाम भरना होता है, अपना नाम भरना होता है और बहुत कुछ, जो कुछ भी उसने निर्देश दिया होता है एकदम ध्यान से पहले भरना है। कॉपी में रोल कोड, रोल नंबर, ये सब पूरा सब सही होना चाहिए, पूरा अच्छा से उसको क्या करना होता है, पहले ध्यान से भरना होता है। उसके बाद प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना होता है, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए होते हैं, क्या होते हैं, तो उसमें क्या करना है,
पहले ये देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आसान है, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन याद है। तो क्या करना है, ये प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ लिए, पढ़ने से ये होता है कि ये ध्यान में आ जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आसान सवालों को पहले हल करना है। क्या करना है, आसान सवालों को। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है ये आसान सवाल है, इसे तो हम कभी भी कर सकते हैं। पहले भारी प्रश्न को देखते हैं कि वो कैसा है, क्या है, याद करते हैं उसको याद करके लिखने का प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले करना ये है कि आसान प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। जो आसान आपको प्रश्न दिख रहे हैं उसको पहले क्या करना है, हल करना है। जो भी आसान प्रश्न दिख रहे हैं उसको पहले क्या कर देना है, हल। उसके बाद क्या करना है, जो आपका भारी प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश करना है। जो आपको कम समझ में आ रहा है या हल्का फुल्का याद है उसको लिखने का प्रयास करना है। तो पहले क्या करना है, आसान सवालों को। उसके बाद अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश करनी है। अब अच्छी राइटिंग कैसे बनाए, बहुत सारे बच्चों को सवाल रहता है अच्छी राइटिंग कैसे बनाए। मान लीजिए थोड़ा सा खराब राइटिंग है तो ये उसको अच्छा कैसे करें। देखिए दो तरीका होता है अच्छा करने का। एक होता है पहला, आप आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे घर पर कुछ दिन पहले, तो वहां पर आपका राइटिंग हो जाएगी जो अच्छा हो जाएगा और लिखने का तरीका सही मालूम हो जाएगा। लिखने का तरीका, यहाँ पर समय, टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा, टाइम कितना देर में लिखना है, राइटिंग कैसे लिखना है, क्या करना है। और एक बात ध्यान से रखिए, थोड़ा सा अक्षर के बीच में ये जो शब्द आप लिख रहे हैं इस शब्द के बीच में दूरी बनाकर लिखना है। क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा दूरी नहीं, हल्का सा दूरी क्या करना है, राइटिंग अगर अच्छा नहीं है तो हल्का सा दूरी बनाना है और थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करना है। ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, ताकि क्या कहो जल्दी से पूरा पेज भर जाता है। क्या होता है, आप कम भी लिखते हैं तो क्या होता है, जल्दी से पेज भर जाता है, क्योंकि आपका ये जो लिख रहे हैं ये अक्षर बड़ा है, ये शब्द बड़ा है और इसके बीच की दूरी बड़ी ज्यादा है, तो क्या होगा, साफ साफ दिखाई भी देता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो क्या होता है, उनको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, दिखाई भी देता है और उसके बीच में दूरी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो क्या करना है, अच्छी राइटिंग बनाने के लिए पहले तो ये प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा बात क्या करना है कि शब्दों के बीच में दूरी और थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करना है। क्या करना, थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद पांच नंबर, क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखें। अब देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि पूरा याद है, पूरा अच्छा तरह से याद है, तो उनको डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, वो नहीं देखते को कितना नंबर क्वेश्चन है। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखना। मान लीजिए एक नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, एक नंबर लिखना है, दो नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो दो नंबर लिखना है, तीन नंबर तो तीन नंबर। ये नंबर पहले लिखना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, नहीं तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला मान लीजिए पूरा अच्छा आंसर लिख दिया, सब कुछ लिख दिए और नंबर नहीं डाले, कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को क्या कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या करना है, डालना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़े, जब ये पूरा क्या कर लेंगे, आसान सवालों को हल कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर सब अच्छा से लिख लेंगे, अब क्या किया जाता है, भारी सवालों को देखा जाता है, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद है, कम याद है, वो लिख लीजिए। और जो प्रश्न के आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो क्या करना, उन प्रश्नों को भी नहीं छोड़ना, उन प्रश्नों का भी हल क्या करना है, करना है। मान लीजिए दो चारों नंबर मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, दो नंबर तीन नंबर, ऐसा थोड़े होगा कि एक नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिल जाए। अगर कोई भी सवाल को आपको नहीं छोड़ना है, आता है चाहे नहीं आता है, थोड़ा सा भी उसके बारे में मालूम है, कुछ भी उसमें क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, उसके बारे में लिख दीजिए। और जिस सवाल का आंसर नहीं याद होता है उसको ज्यादा लिखा जाता है, उसको क्या किया जाता है, ज्यादा लिखा जाता है। ज्यादा मतलब उसके बारे में पूरा थोड़ा बहुत मालूम है ना, पूरा लिखने का एकदम ऐसा कि हाँ लगे कि पूरा भरा हुआ है, जिस प्रश्न का तो एग्जामिनर देखेगा अच्छा भरा हुआ है, मतलब कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा, तो एक दो नंबर तीन नंबर मिल ही जाता है। इसीलिए जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद है उनको थोड़ा ज्यादा लिखने का प्रयास करना है। तो ज्यादा कैसे लिखना है, मान लीजिए याद ही नहीं थे, ज्यादा कैसे लिखेंगे, नहीं उसके बारे में आसपास के कुछ बारे में याद है ना, लिख देना है। ये हो गया छह नंबर, क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को हल करना है। और अंतिम में क्या करते हैं बच्चे, लगता है कि हाँ चलो सारे क्वेश्चन हल कर लिए ना, अब कुछ नहीं करते, नहीं, अंतिम में आपको क्या करना है, पुनः सारे प्रश्नों को देखना है, सारे प्रश्न हल किए मिला लेना है कि पहला अच्छा ठीक है लिख लिए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कहाँ लिखे, छठवां सातवां आठवां, ये सब सबको मिला लेना है कि हाँ सब प्रश्नों को लिखे ना, सब प्रश्नों को नहीं तो एक दो प्रश्न होता है जो छूट जाता है। तो सारे प्रश्नों को पुनः क्या करना है, पुनः सारे प्रश्नों को देखना है कि हाँ सारे प्रश्नों का हल ठीक लिखे है ना, ये नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर सब भी नंबर दिए है ना, जो नंबर दिए वो प्रश्न के आंसर लिखे है ना, पूरा अच्छा तरह से कॉपी को क्या कर लेना है, अंतिम में चेक कर लेना है। तो हमें लगता है कि अच्छा समझ में आ गया, प्रैक्टिस जरूरी है, आंसर लिखने का प्रैक्टिस, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। प्रैक्टिस करने से एक माहौल बन जाता है, एक माहौल बन जाता है, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम अच्छा तरह सब आंसर लिख पाते हैं।
और ये आंसर क्या करते हैं वो अच्छा तरह से हम लोग आंसर लिख पाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा तरह से आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा।